अभी देख रहे हैं ऐसे ऐसे लगता है मुजरेला कोई पिज्जे का। हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फूडी फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे और ऊपर वाला आपको सदा खुश रखे और सेहतमंद रखे। तो दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज आप भाई लोगों ने रिकमेंड किया है जी मुझे शर्मा जी रामनगर वाले, जिनकी आपने कलाड़ी कुलचा की जम के तारीफ की है, जो कि गांधीनगर में अपनी रेडी लगाते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, कलाड़ी जो बेसिकली है ये एक हमारे जम्मू का एक ट्रेडिशनल बर्गर है। कलाड़ी कुलचा हमारे जम्मू का ट्रेडिशनल बर्गर है जिसे जम्मू के लोग बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी कलाड़ी कुलचा कभी ट्राई किया होगा जब भी आप कभी जम्मू आए होंगे। तो दोस्तों एक और रिक्वेस्ट भाइयों से, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं उसी लोकेशन पे। तो लीजिए दोस्तों पहुंच गया मैं फिर शर्मा जी रामनगर की मशहूर कलाड़ी वाले स्टॉल पे, जो काफ़ी फेमस है, और आपने इनकी जम की तारीफ की इनकी कलाड़ी कुलचे की। तो कलाड़ी कुलचा खाने से पहले मैं आपसे यहाँ का एड्रेस शेयर करता हूँ, ये कहाँ पर लोकेटेड है। थोड़ा सा मैं मेन रोड पर आता हूँ, ये एरिया गांधीनगर कहलाता है जी। तो अगर आप यहाँ स्ट्रेट जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, ये जाता है रास्ता सतवारी के लिए। तो और अगर राइट हैंड से जाएंगे, लेफ्ट मेरे राइट हैंड से, तो ये एरिया जाता है जी जम्मू सिटी के लिए, जहाँ से आगे फ्लाईओवर भी स्टार्ट होता है। तो जो ये एरिया है पीछे जो एरिया सजा रहा है, ये गांधीनगर का है। बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल जो गवर्नमेंट ने अलाउड किए हैं रेडी जोन जो एरिया, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में इनकी स्टॉल है। आप देख लीजिए ये बड़ी लंबी फहरिस्त है यहाँ पर स्टॉल्स की। ये पूरा आगे आपको करीबन एक आधे किलोमीटर तक फैला हुआ है ये एरिया है जहाँ पर ये स्टॉल लगे हुए हैं। तो सबसे पहला स्टॉल इन्हीं शर्मा जी का है। तो चले खाते हैं इनके पास कलाड़ी कुलचा। कॉन्वेंट स्कूल है, बच्चे भी यहाँ पर कलाड़ी कुलचा एंजॉय करने आए हुए हैं। वेटिंग पीरियड चल रहा है इस टाइम पे। ये सारा स्कूल वाला एरिया है, ये देखिए आगे तो स्कूल है, और साथ में यहाँ पर भैया जी ने कुछ मीट का स्टॉल भी लगा हुआ है, ये भी किसी दिन आके ट्राई करेंगे। साथ में आप देखेंगे कि एक ढाबा भी है जहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर बढ़िया पराठे मिल रहे हैं और भैया भी पराठा खा रहे हैं। मेरे मुंह में बड़ा पानी आ रहा है, बट आज मैं केवल कलाड़ी कुलचा खाने आया हूँ। ये रहा इनका ढाबा, अभी तो फुलके बन रहे हैं जी, लेकिन पराठे की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय शर्मा बेसिकली रामनगर का हूँ। जे जम्मू गांधीनगर कॉन्वेंट स्कूल के सामने जे मैंने अपना वैष्णो स्टॉल लगाया है, इधर की कलाड़ी कुलचा फेमस है। हमारी कलाड़ी कुलचा जे समरोली से मंगाते हैं हम कलाड़ी हर रोज फ्रेश, जहाँ रामनगर से कलाड़ी इस टाइम पर बन रही है, कलाड़ी कुलचा बन रहा है बढ़िया। तो बताना चाहूँगा दोस्तों साथ पे इनके पास स्प्रिंग रोल भी है, और ये क्या क्या रखा हुआ इसके अलावा? मोमोज भी रखा हुआ है, एकदम बढ़िया। दोस्तों कलाड़ी मैं बताना चाहूँगा, कलाड़ी जो होती है जी ये मोस्टली जो ये फेमस है अपनी समरोली वाली साइड से जी, तो वहाँ की कलाड़ी काफ़ी फेमस है। तो भैया का खास बात यही कि ये जो इनकी जो कलाड़ी है ये वहीं से लाते हैं, और बेसिकली हैवी मवेशी एरिया की ही है, ये इनकी खासियत है। तो ये अपने लिए कलाड़ी कुलचा हमारे लिए बना रहे हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों ये अपने जम्मू का एक देसी बर्गर है, अपना खुद का हमारा बर्गर है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। आप मुझे बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में, क्या आपके सिटी में ये कलाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है, या आपने कभी कलाड़ी कुलचा अपने सिटी में खाया है या नहीं खाया हुआ है। और अगर नहीं खाया है तो जम्मू आके ये कलाड़ी कुलचा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार होता है ये। प्याज की स्टफिंग साथ में डाला जाएगा जी इसके ऊपर, सॉस, ये चटनी किस चीज़ की है? अनारदाने की चटनी पुदीना डाल के। अनिये अनारदाना की चटनी पुदीना डाल के, और ये चिली मिर्च, चिली मिर्च। दोस्तों इस तरह की इन्होंने इस पर स्टफिंग की हुई है, मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था, मैं आपसे क्या बोलूँ, खुशबू भी जड़ी ज़बरदस्त आ रही है जी। ये आया जी अपना जम्मू का अपना देसी बर्गर। दोस्तों बताना चाहूँगा है दुकान इन्होंने काफ़ी अपनी हाइजीनिक रखी हुई है, एकदम साफ सुथरी रखी हुई है, जिसकी शिकायत आपको हमेशा रहती है स्ट्रीट फूड्स में। ये क्या भैया?
म्यूनिज जी। अच्छा अच्छा चलिए जी, साथ में म्यूनिज भी है। आइए अब चलिए टेस्ट करके देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो चलिए दोस्तों करते हैं टेस्ट अपने कलाड़ी कुलचे का। अब ये देख रहे हैं ऐसा लग रहा है मुजरेला कोई पिज्जे का। ये खासियत है इस कलाड़ी की कि ये एकदम स्ट्रेच हो जाता है, देखिए अपना देसी मुजरेला। चलिए अब टेस्ट करते हैं इसको। थोड़ी चटनी है मिर्च वाली, थोड़ी अनारदाने वाली, सॉस में ज़्यादा यूज़ नहीं करता। लाजवाब, वाकई में सच्चाई से कह रहा हूँ टेस्ट लाजवाब है। कलाड़ी का टेस्ट इतना सॉफ्ट है मैं अपनी लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है भाई। जिन्होंने भी इनका नाम रिकमेंड किया था बहुत सही किया था। वाकई में इनका कलाड़ी कुलचा बहुत टेस्टी है। मैंने और भी यहाँ पर कलाड़ी कुलचा खाया हूँ मैं, वो भी बढ़िया है। क्योंकि कलाड़ी इनकी खासियत ये कि इनका कहना है कि जो कलाड़ी है जी ये समरोली से आई हुई है। कलाड़ी का ये वहीं बनाई जाती है, ये वहीं की पैदावार है बेसिकली। यहाँ पर भी बनती है लेकिन वहाँ की बहुत फेमस है। थोड़ा और खाते हैं। दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया खाने का। थोड़ा इन्होंने सॉस भी दिया, मैं पहली बार आज सॉस टेस्ट करूंगा इस कलाड़ी कुलचा के साथ में। अदरवाइज मैं कभी भी कलाड़ी कुलचा में सॉस ट्राई नहीं करता। आप ही नहीं कीजिएगा, आप केवल ये मेरी रिकमेंडेशन है, आप केवल इसे मिर्च वाली चटनी के साथ और ये जो अनारदानी चटनी है इसके साथ खाइएगा। सॉस के साथ थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये थे शर्मा जी कलाड़ी कुलचे वाले, जहाँ पर आज हमने इनकी कलाड़ी ट्राई की, बहुत बढ़िया थी। मैं उस भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया था, बहुत ही शानदार है। दोस्तों फिर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी नई लोकेशन पे। टिल देन बाय बाय।